गाजियाबाद पुलिस ने एनसीआर में वाहन चोरी करने वाले शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम ने एनसीआर क्षेत्र में चार पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद में निरंतर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक इंदिरापुरम महोदया द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर एलिवेटेड रोड वसुंधरा के पास से तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से निशानदेही पर सात कारें विभिन्न कंपनियों की बरामद हुई। अभियुक्तगण शातिर किस्म के चार पहिया वाहन चोर हैं, जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर एनसीआर क्षेत्र में घूम घूम कर रैकी कर चार पहिया वाहनों को अपना निशाना बनाते थे और मौका देखकर अपने चोरी करने वाले उपकरणों का प्रयोग कर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे तथा यह वाहन चुरा कर आसपास के क्षेत्रों में पार्किंग में छुपा देते थे। ये आज तड़के हमारे इंदिरापुरम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के नेतृत्व में एक टीम वाहन चोरों के गिरोह पे काम कर रही थी, उसी में तीन शातिर वाहन चोर और लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। दो की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनमें एक है अमन और निज़ाम और सचिन, और दो बदमाश अभी भागे हुए हैं जिनमें एक का नाम है लोकेश और सुशील है दूसरे का नाम। लोकेश इस पूरे गिरोह का सरगना है। इन सारे अभियुक्तों की बड़ी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जो कि आपके प्रेस नोट में भी लिखी हुई है। ये पहले भी एक अंतर्राज्यीय गिरोह रहा है और पूछताछ से ये ज्ञात हुआ है कि ये जो भी वाहन चोरी करते हैं दिल्ली और यहाँ गाजियाबाद के सटे अन्य जनपदों से, ये नॉर्थ ईस्ट में और राजस्थान में और अन्य जगहों पर उसको बेच देते हैं। काम करने का तरीका ये होता है इनका कि ये रैकी करते हैं दिन में और रात्रि में। बाद में ये मूलतया मारुति और जो महिंद्रा की गाड़ियाँ होती हैं उनकी ये चोरी करते हैं, और चोरी करने के पश्चात ये इनको ऑन डिमांड नॉर्थ ईस्ट और अन्य जो है प्रदेशों में इसको अच्छी कीमत पर बेच देते हैं, और इस पर फर्जी जो चेसिस नंबर इंजन नंबर लगा करके और फर्जी कागजात बना करके उसको फिर गाड़ियों को रोड पे चलवाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर के भी मुकदमे कायम हैं।